Happy Diwali, everyone. सो गाइज़, ये मैं मार्केट आई थी वो मेरे अंकल के साथ भाई दूज के शॉपिंग के लिए. तो ये मेरा वाला शॉपिंग नहीं है, ये मम्मी ने हम लोगों को भेजा था मामा लोग के लिए लेने के लिए. तो इसलिए मैं आई थी अंकल के साथ. मेरा वाला तो मैं मॉल पे जा रही थी अभी. बट हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल. एंड हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल. इफ यू डोंट नो मी, आई एम निलाद्रता बैनर्जी. हेज कम्स विद अ न्यू व्लॉग. सो इफ यू डोंट नो मी, वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल. एंड प्लीज टेक अ स्मॉल मोमेंट, गो डाउन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो दिस इज अ न्यू वीडियो एंड टुडे इज दिवाली. सो हैप्पी दिवाली टू यू ऑल. तो मैंने अचानक से वीडियो ऑन किया था, आपने देखा ही होगा. और परसों भाई दूज है, उसका शॉपिंग भी करने गई थी, जो मैंने वैसा कुछ किया नहीं क्योंकि मेरा बजट इस टाइम बहुत ही ज़्यादा लो है. इसलिए तो सॉरी मेरे भाई लोग. तो मैं तो अपने मम्मी के भाई लोगों के लिए, मामा जी के लिए शॉपिंग करने गई थी अंकल के साथ. तो जो भी हो, मैं आ चुकी हूँ. अभी मैं जल्दी से नहाऊँगी, फिर रंगोली बनाऊँगी और फिर आज शाम को शायद थोड़ा घूमने जाऊँगी. तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा तो मैं बनाना चाहती नहीं हूँ क्योंकि भाई दूज का मैं अलग से बनाऊँगी. सो स्टे ट्यून, अच्छे से मेरा वीडियो देखना. डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड टू कमेंट एंड शेयर. एंड हैप्पी 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 दिवाली टू यू गाइस. टेक केयर. मेरा दांत इतना स्ट्रांग नहीं है गाइस. सो मैं हो गई हूँ बिल्कुल ही रेडी. तो मैं अपना ड्रेस आपको बाद में दिखाऊंगी. तो मैंने एक शरारा ही पहना है. तो अभी मैं थोड़ा सा मेकअप कर लूँगी, फिर आपसे मिलती हूँ. टिल देन बैठ रही है. सो गाइस, मैं हो गई हूँ आफ्टर ऑल रेडी. तो लाइट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं अच्छे से शो नहीं कर पा रही हूँ. जो भी हो, किसी तरह मैंने अभी रेडी हो चुकी हूँ. ये रहा मेरा शरारा, मैं बाद में पूरा दे दूँगी. मैं दिखा रही हूँ तो मैं किसी हालत पे ऐसे मैं कुछ बना ही नहीं पा रही थी. जो भी मैं बना लिया. ये इयररिंग मेरा दीदी का है. जो भी हो, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ. अभी बहुत लेट हो गया है, रंगोली में अभी बना नहीं पाऊँगी. तो अभी मैं जा रही हूँ दिया और वो मोमबत्ती जलाने. तो लेट्स गो. ये रहा गाइस मेरा फाइनल लुक. तो देख लीजिए, जो मैंने फ्रेंड के घर पे जाते ही खरीद खींच लिया था. अभी सबके घर पे ऐसे लगा रहे हैं. तो मैं अपना, हमारा घर तो इस बार लगा नहीं है दिवाली लाइट. तो देख सकते हैं सबके घर पे ऑलरेडी मोमबत्ती जल गए हैं. बच्चे पार्टी लोग बम फटा रहे हैं. तो मेरे घर पे जब से मेरा आंटी, आई मीन मेरे मम्मी पापा का बड़े बहन पिशी का डेथ हो गया था. उनका डेथ इसी साल, आई मीन इसी साल नहीं, मतलब दिवाली के टाइम पे हुआ था. इसलिए हम लोग के घर पे तब से लगाया नहीं जाता है लाइट्स वगैरह. तो मैंने सोचा था मैं इस साल से लगाऊंगी, बट इस साल से हुआ नहीं. तो नेक्स्ट साल से मैं ज़रूर लगाऊंगी और घर को अच्छे से सजाऊंगी. सो देखते हैं. लग चुके हैं, सारा जगह पे लगा गया है. जिसको जलाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. फिर छत पर चले गए. चश्मे के बिना तो मैं अधूरा हूँ. सो मैंने दिया जला लिया है और मैंने कुछ रील्स भी बना लिया. अभी चलो चलते हैं मोमबत्ती धराने. ड्रेस संभालना है मुझ मेरे को, मोबाइल भी संभालना है, सब कुछ संभालना है. के फेवरेट्स से
आइए चलते हैं। क्या वो बिल्लू तुम डर गए क्या? इसको लग रहा है क्या हो रहा है सब। अभी मैं लाइट ऑफ करके देख, अभी लग रहा है मैजिकल। वाओ, लाइट इज समथिंग। दिस दिवाली इज द मोस्ट फेवरेट ऑफ माइन बिकॉज दिस इज सो कलरफुल, दिस इज सो लाइटनिंग एंड एवरीथिंग। बहुत मजा आ रहा है। हाँ छाते लगाना था कुछ, देखो दिख पा रहे यहाँ से, इतना ऊपर मेरा कैमरा जाता ही नहीं है। मैं अभी जा रही हूँ मेरे फ्रेंड के घर पे, भाई जा रहा है घूमने, जो भी हो मैं अभी जा रही हूँ मेरे फ्रेंड के घर पे, वहाँ पे जाके थोड़ा मस्ती करूँगी। आज थोड़ा घूमने नहीं जाऊँगी, कल मैं घूमूंगी और कल मैं आप लोगों को भी घुमाऊँगी। तो डे वन का वीडियो इतना ही करूँगी। तो अभी मैंने यहाँ पर ले लिया है सोनपापड़ी और मैं कुछ मिठाई ले कर मेरे जो एन जी ओ का जो हेड जो है उनको मैं थोड़ा जाके मिठा दे दूँगी, क्योंकि मेरा वो दुर्गा पूजा से मन था बट दुर्गा पूजा में पता नहीं कैसे नहीं हो पाया। तो आज मैं उनको वो दे के आऊँगी। फिर मैं अभी पहले जा रही हूँ मंदिर पे, मुझे भोग चढ़ाना है तो मैं जा रही हूँ दुकान, वहाँ से मिठाई लूँगी, फिर भोग चढ़ाऊँगी मंदिर पे जाके, फिर जाऊँगी फ्रेंड के घर। तो अभी मैं स्कूटी से जा रही हूँ तो मैं वीडियो तो ऐसे नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ऐसे मैं एक हाथ से नहीं कर पाती हूँ, तो मैं डायरेक्ट वहाँ जाके मिलती हूँ। तो ये रहा भाई का नया बाइक जो उसका नंबर प्लेट भी नहीं आया। तो ये रहा मेरा छोटा सा स्कूटी, अभी मैं जा रही हूँ। चलो। सो गाइस, मैं जब जा रही थी तब मुझे मेरे फील्ड पे ये मिला। तो ये जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ का जो मंदिर है वहाँ पे जो पूजा होता है वहाँ से इस बार इनिशिएटिव लिया था कि पूरा जो फील्ड है वहाँ पे दिया लगाएंगे। तो इस तरह वो दिख रहा था जो कि अपने वो रहा जो मैंने पूजा यहाँ पे हो रहा है जो भी हो। तो इतना अच्छा लग रहा था, अपनी आंखों से देखते तो समझ में आता तो कितना अच्छा है। सो ये रहा उसका व्यू। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सामने से भी दिखाती हूँ। दिस इज सो ब्यूटी, दिस इज़ अ ब्लिस, आई मीन ऑसम। इट वॉज लुकिंग लाइक मेस्मराइजिंग सिचुएशन। दिस इज सीन, दिस इज सो यस, दिस इज द फाइनल लुक। वहाँ पे फानूस उड़ाया जा रहा है तो ये रहा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ब्यूटिफुल। ये खुले आँख में देखने में ना बहुत ही मज़ा आ रहा था, मैं तो बहुत देर तक देख रही थी इसको और सिर्फ देख रही थी। ये एक्चुअली मेरे अंकल की जो फ्रेंड है उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने तो इस टाइम नया वाला भगवान जी। तो गाइस यहाँ पे पॉपुलर राजकमल स्वीट्स पे मैं आ चुकी हूँ। सो चलो अंदर चलते हैं, इतना सारा भीड़ है कि मुझे बहुत डर लग रहा है अभी। Thank you.
के ऊपर आते हैं। लिख दिया है अभी हम लोग, मेरा नेल सीखिए तो पूजा भी ऑलमोस्ट हो गया है तो चलते हैं। ये प्लेट इतना भारी है कि मैं पकड़ ही नहीं पा रही हूँ। वाओ कितना अच्छा लग रहा है। बट प्रॉमिस मैंने किया है घर पे कि नेक्स्ट ईयर से मैं ज़रूर इनको पूरा डेकोरेट करने वाली हूँ। तो ओके तो बाद में हार चुकी हूँ इतना आने में। इसमें आंटी के आंटी का शॉप भी है तो वहाँ पे गई थी तो वो नहीं थे तो उनके घर पे जाके मिलके आ गई। तो अभी ये स्कूल है जब एक दिन आई पुजार का टूर भी कराऊंगी आप लोगों को। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने क्वार्टर पे, फिर क्वार्टर के ऑपोजिट पे मेरा फ्रेंड का घर है, सब कुछ है मेरे लिए क्योंकि बहुत सारा स्टोरी है वो मैंने पहले वाला लास्ट ईयर का पूजा वाला व्लॉग में मैंने बोल दिया था। तो कौन है वो अगर जाने का इंटरेस्ट है तो वहाँ पे मिल लेना। तो ये पीछे का साइड है, कल मैं जब घूमूंगी पूरा घुमाऊंगी आप लोगों को। तो चलो चलते हैं। सो गाइज मैं अभी जा रही हूँ तो ये रहा मेरा जो क्वार्टर है वहाँ पे जो पूजा हो रहा है वहाँ पे। तो मैंने पूरा म्यूट करके मैं अपना वॉइस लगा दिया क्योंकि क्या करूँ इतना सारा गाना बज रहा था और मुझे कॉपीराइट मिल जाता। और वैसे मुझे कब कैसे कॉपीराइट मिलता है वो मुझे समझ में भी नहीं आता है। सो वाओ कितना अच्छा लग रहा है ना। दिवाली बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इतना लाइट जलते हैं नल। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे चलने में भी क्योंकि और कितना फॉगी फॉगी हो रहा है देखिए हर जगह। मैं अपना मास्क लगा लिया ऊपर कर दिया क्योंकि कोरोना फिर से बढ़ रहा था इसलिए। कितना फॉगी फॉगी हो रहा है देखिए आप, ये सब पॉल्यूशन भी हो सकता है मुझे पता नहीं। बट या मज़ा आ रहा था मुझे चलने में भी वहाँ से। तो मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिम्स मैं अपना पारा का पूजा दिखा के मैं मेरे फ्रेंड के घर चली जाऊँगी। कल मैं आप लोगों को सेकेंड वाला व्लॉग पे अच्छे से दिखाऊंगी पूरा पूजा वाला। ओके सो देखते रहिए एंजॉय करते रहिए और आई होप मुझे आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। सो ये रहा मैं पूजा चल रही हूँ यहाँ पे आ गया है कॉलोनी का पूजा का एक क्लिप। बहुत ही अच्छा लग रहा था, थोड़ा यूनिक तो लग रहा था। सो या आई तो लव अभी टाइम ना वेस्ट करके क्वार्टर कितना गंदा लग रहा है हम लोग का क्वार्टर। माय गुडनेस नेक्स्ट ईयर तो मैं लगाने ही वाली हूँ। ये रहा मेरा ट्यूशन का क्या हो रहा है आप देख सकते हो।
मेरा ट्यूशन का बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे, सो मैं बाद में आती हूँ, पहले मैं चलती हूँ मेरे दोस्त के घर पे, आई मीन क्वार्टर पे। देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है, मैंने फिर से गाना इतना जोर से बजा, लॉन्का बूम मैं बोल रही थी, लॉन्का बूम मुझे बताना आता है कि नहीं, तो जो भी हो, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा था मेरे घर से पूरा सारा, मेरे फ्रेंड के घर से, तो पूरा ये सब मैं बकबक कर नहीं जा रही थी, बट मैंने वो कट कर दिया, इतना ज़ोर से गाना बज रहा था और मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसे डिलीट करते मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने ऐसे ही बना दिया। सो पता नहीं कैसा लग रहा है, तो देखिए मैं अपने आप को ही शो कर रही थी, नाटक भी मार रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। हाँ हाँ बहुत सुंदर लग रही है, तो छोड़ दे अभी। तो जो भी हो, लाइट्स मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उसके साथ, तो ये रहा मेरा फ्रेंड, बहुत देर से बुला रही थी, बहुत खींचातानी करने के बाद वो सामने आई है, वो भी कह रही थी मुझे कितना बकवास लग रही हूँ, इसलिए वो सामने आ नहीं जा रही थी, बट मैंने कहा इतना तो सुंदर हो क्यों नहीं आ रहे हो। जो भी हो अभी देखो क्या होता है, बम फटाने जा रही है, बम नहीं फटाना, पोल्यूशन करना नहीं है, तो थोड़ा मस्ती करना था, टिंग 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 टिंग, दिल पर हरी पा, मैंने क्या क्या दिल पर हंडी उठा दी, कॉमेडी हो गई मैं। सो गाइज आते टाइम मैंने कुछ वीडियो नहीं किया, आते ही मैंने रंगोली दिवाली के बाद बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो ये रहा मेरा रंगोली जो मैं बना रही थी, बहुत गंदा तरीके से, क्योंकि वो इतना भी अच्छा आया नहीं है, क्या करूँ, मुझे मेरे पास कुछ था ही नहीं बनाने, मैं बना सकती थी बट मेरे पास कुछ ऐसे कुछ वो जो फेविकॉल का जो बक्सा होता है वो कुछ भी नहीं था, सो दैट्स वाई आई हैव टू डू लाइक दिस ओनली, सो दो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू डू एनी वे, सो फाइनल लुक पता नहीं कैसा आएगा, जो भी हो आई लव डूइंग दिस एंड मुझे ये सब करना भी अच्छा लगता है, अभी फाइनल लुक आ जाएगा थोड़ी देर में, तो इन्जॉय कीजिए। कैसा हुआ है पहली बार।
सो ये रहा गाइस आज का व्लॉग. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सपोर्ट मी गाइस. थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली टू यू ऑल अगेन.